नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म AK Academy फाउंडेशन ग्रुप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नई सूचना लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी मेरे भाई बहन लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी लोग जो है वो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जो है वो लेब असिस्टेंट भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी अदर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। साथियों, तो शुरुआत करता हूं मैं लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 की। सबसे पहली बात करते हैं तो लेब असिस्टेंट भर्ती जो है वो 461 पदों के ऊपर आने वाली है, हालांकि अभी आई नहीं है। इसका जो एक थोड़ी सी सूचना शिक्षा विभाग के माध्यम से डाली गई थी, लेकिन अभी ये भर्ती वर्तमान समय के अंदर जो है वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि जो है वो कमिंग सून इसका जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को जल्दी मिलेगा। 461 पदों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। इस भर्ती के अंदर ये जो 461 पद है ये कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कम तो नहीं होंगे लेकिन इससे ज़्यादा ही होने की संभावना पूरी बनती है। नोटिफिकेशन इसका जल्द ही जारी होने वाला है। अब दूसरी बात इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आप जो है वो इस लेब असिस्टेंट भर्ती का जो तैयारी है वो किस प्रकार से कर सकते हो। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर वे के अंदर जो है वो आपको सबसे पहले उसकी क्या चेक करनी होती है। आप अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या चेक करना पड़ता है, सबसे पहले उस स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है कहाँ से कैसे जाया जाता है। तो यह है कि अगर आप लेब असिस्टेंट भर्ती के अंदर सेलेक्ट होना चाहते हो और लगना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला जो मेन जो फोकस होता है, सबसे पहला बिंदु आपका यही होता है कि उसका सिलेबस आपके जो है वो हमेशा सामने होना चाहिए। मतलब सिलेबस जो है वो आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। पहली बात तो ये सिलेबस का मतलब ये हो गया कि जो जो उसके अंदर टॉपिक दिए हुए होते हैं वो आपको जो है वो पूरी तरह से याद होने चाहिए। तो लेब असिस्टेंट भर्ती की बात करूँ मैं, तो लेब असिस्टेंट भर्ती के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर दो पोर्शन आते हैं, एक GK का पोर्शन आता है, दूसरा साइंस का पोर्शन आता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। वैसे तो GK के पोर्शन की बात करते हैं तो 100 नंबर का आएगा, और साइंस की बात करते हैं तो 200 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। GK के पोर्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो इसके अंदर राजस्थान की जियोग्राफी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? राजस्थान जियोग्राफी पूछी जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, किसका? राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, और इसके अलावा थोड़ी बहुत इसके अंदर हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। तो लगभग लगभग बस इतना के सिलेबस है। उसके बाद में साइंस की बात करते हैं तो 200 नंबर की साइंस होगी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। बायोलॉजी के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, फिजिक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। हालांकि इसका जो सिलेबस है वो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी 2018 की भर्ती के अनुसार अगर देखें तो इसका जो उसका जो प्रोफॉर्मा था 2018 भर्ती का वो कुछ इसी प्रकार से था। 100 नंबर का GK था, 200 नंबर की उसमें साइंस थी। तो लगभग लगभग अगर वीडियो की बात करें तो उसके अंदर 2016 भर्ती का इन्होंने डाला है। तो लेब असिस्टेंट भर्ती के अंदर भी 100% चांस यही जो सिलेबस है यही आपका परफॉर्मा रहने वाला है। तो GK की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान जियोग्राफी है, राजस्थान जियोग्राफी के अंदर से काफ़ी प्रश्न पुट अप होते हैं, तो इसकी जो क्लासेस है वो हमारे द्वारा रेगुलर लगाई जा रही है। 14 से 15 क्लासेस हमने अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के एक बार उन क्लासेस को जरूर देखें। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, अगर आप चाहते हो उनकी क्लासेस भी हम शुरू करें तो आप एक बार हमें वो क्लासेस को देखें, रिव्यू करें, उसके बाद में आप अगर चाहते हो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस जो हम शुरू कर देंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज राजस्थान GK की वो भी हम शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इसके अंदर तीनों पूछा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, बाकायदा टॉपिक दिए हुए, उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको दूसरे कोई टॉपिक को हलाना भी नहीं है। ठीक है साहब, ये तो हो गया सिलेबस की बात।
ठीक है, सिलेबस आप देख लेंगे ना 2018 भर्ती का, rsmssb.co.in के .in .gov.in की साइट लगाओगे तो उसके ऊपर आपको जो है वो लेबर स्टेशन भर्ती 2018 का सिलेबस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि लेबर स्टेशन भर्ती है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं। जो भी कोई फ्रेशर स्टूडेंट होता है उसके मन में हमेशा दिमाग में जहन में ये बात आती है कि मैं किसी भी भर्ती या किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करूं, या तो मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग लूं। ठीक है, तो यहां पर मैं दोनों ही बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ में। सबसे पहली बात आती है कि अगर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात ये होती है, लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसके अंदर सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या करनी है। सबसे पहले आपको इसके अंदर लगभग 5 से 6 महीने तो मान के चलो मिलेंगे मिलेंगे, ये तो पक्की बात है। ठीक है, 5 से 6 महीने तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें, अब आपको इन 5 से 6 महीनों में करना क्या है, इन 5 से 6 महीनों के अंदर अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में चलते हो ना, तो इन 5 से 6 महीनों के बाद में आपके हाथ में एक जॉब होगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने अपना लिया तो आपके हाथ में एक जॉब होगी, एक कोलेटर होगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी की बात करें, सबसे पहला सबसे पहली बात आती है इसकी, ये बड़ा शब्द हमारे दिमाग में रहता है, कोचिंग। कोचिंग करनी जरूरी है। तो सबसे पहले लेबर असिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है, कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपको उचित लगे वो आप कोचिंग ले लीजिए। ठीक है, कोचिंग करनी ही पड़ेगी आपको, कोई भी आपको जो भी आपको उचित लगता है, चाहे ऑफलाइन उचित लगता है चाहे ऑनलाइन लगता है। ठीक है, तो कोचिंग आप ले लीजिए। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए ऑफलाइन लगभग बंद होने की स्थिति में है, पहुंच चुके हैं, हो सकता है हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर हो जाएंगे। तो कोचिंग आपको सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कोचिंग ले लीजिएगा। अब इस कोचिंग के अंदर आपको क्या कराएंगे, इसको अंदर आपको 3 महीने का मात्र टाइम होगा आपके पास, 3 महीने का। 3 महीने के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 3 महीने के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। इस कोचिंग के साथ में आपको क्या बनाने, नोट्स बनाने। भी जाहिर सी बात है जब आप कोचिंग करोगे तो नोट्स तो बनाओगे बनाओगे, ये तो बात होगी। तो कोचिंग के साथ साथ में आपको क्या बना लेने, नोट्स बना लेने। ठीक है, नोट्स बना लेने। अब कोचिंग अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन का तो क्या सिस्टम होता है कि संडे तो संडे ऑफ रहती है ऑफलाइन कोचिंग तो, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी से कोर्स को निपटाना चाहते हैं तो वो संडे की भी क्लासेस लगाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि संडे की ऑफ रखनी है आपको, कोचिंग क्लासेस जो होगी जो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो संडे की जो आपकी कोचिंग होगी वो ऑफ रहनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग खास करके। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो संडे को आपकी क्या करनी है, संडे को आपको कोचिंग ऑफ कर देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जैसे जैसे जो पढ़ रहे यानी कि जो जो आपको एक हफ्ते में करवाया गया है उसका आप जो है वो डेली रिविजन करें, डेली डेली रेगुलर रिविजन करें। ठीक है, अब संडे को आपने रिविजन कर लिया, साथ में आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स के साथ में आप क्या कर रहे हो, डेली पढ़ भी रहे हो, नोट्स बना भी रहे हो, नोट्स पढ़ भी रहे हो, क्लास भी लगा रहे हो, तो ये आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी। और साथ में संडे को आपने क्या कर लिया, उस पूरा के पूरे को रिवीजन कर लिया, और साथ में आपने कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप क्या करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको 3 महीने बाद में भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो भी उचित लगे, लेकिन अगर आपको ये रहे भी कोचिंग साथ में चल रही है और साथ में उसी कोचिंग वाला अगर कोई बंदा आपसे मतलब टेस्ट सीरीज अगर चलवाता है तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लें। उसके बाद में आपने क्या किया, 3 महीने की हमारी स्ट्रेटेजी थी, 3 महीने में हमारा कोर्स पूरा हो गया, हमने नोट्स बना लिए। अब क्या हुआ साहब कि अपने पूरा का पूरा सिलेबस याद हो गया। ठीक है, जीके भी हमारे याद हो गया, साइंस भी हमारे याद हो गया इन 3 महीनों के अंदर, नोट्स हमने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स थे वो हमें याद हो गए पूरी तरह। अब आपको क्या करना, दूसरी बात आना बुक्स पे। अब साहब बुक्स पे, बुक्स कौन कौन सी पढ़ी, तो मार्केट के अंदर आज के टाइम में हजारों बुक्स है, प्रयोगशाला सहायक नाम सुनते ही बाजार में हजारों बुक्स अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन आपको उन बुक्स पे ध्यान ना देते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, NCERT। ठीक है, NCERT 11वीं और 12वीं,
एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की बुक्स ही आपको पढ़नी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट की बुक आपको पढ़नी है एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की। ठीक है, नोट्स आपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद में बचा हुआ जो सिलेबस था वो एनसीईआरटी से पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद में रिवीजन ही बचेगा और तो कुछ बचने वाला ही नहीं। अब जब बुक्स पढ़ो ना, आप तो एक बात याद रखना कि बुक्स को जैसे एक पहले लेसन उठा लिया, पहले पढ़ते जा रहे हो पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट तरीका इसका क्या है, कि बुक्स जब आप पढ़ो ना, तो बुक्स पढ़ते वक्त आपका जो सिलेबस है वो आपके सामने होना चाहिए। जो जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो सिर्फ बुक्स में ऐसे पढ़ेंगे और कोई ऐसा भी टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। जो जो आया नई चीज़ उसको नोट्स में भी लिख ली और उस बुक्स के अंदर भी लिख ली जो भी चीज़ है। तो इस प्रकार से नोट्स के अंदर जो चीज़ छूट गई वो बुक्स वाली, और बुक्स के अंदर जो चीज़ नहीं थी वो नोट्स के अंदर आपको हुई, तो दोनों चीज़ें साथ में मिल गई, तो आपको एक प्रॉपर जो है वो मैटर आपके पास हो गया। तो इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। उसके बाद में क्या हुआ, 3 महीने आपने मान लिया अभी नोट्स बना लिए साथ में याद हो गया, अब आपके पास बच गया 2 महीने का टाइम मान लो और बच गया, तो इन 2 महीने के अंदर आपने क्या किया कि बुक्स पढ़ भी ली और रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, और रिवीजन भी कर लिया और साथ साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, नोट्स भी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है कोई भी, है ना, टेस्ट सीरीज आपको क्या कर लेनी है, ज्वाइन कर लेनी है। अब आपको डेली टेस्ट देने हैं, डेली टेस्ट देने हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, हफ्ते में दे सकते हो, डेली भी दे सकते हो, 15 दिनों के हिसाब से भी दे सकते हो, लेकिन इन चीजों को आपको साथ में रेगुलर लेकर के चलना है। टेस्ट सीरीज भी, रिवीजन भी करना है, बुक्स भी पढ़नी है, नोट्स भी बनाने हैं, तो ये 6 महीने का टाइम आपको अगर इस स्ट्रेटेजी को आप अपनाते हो तो आप जो है वो एक बेटर में जो है वो तरीके से तैयारी कर सकते हो, है ना। सबसे पहले कोचिंग ली, 3 महीने की कोचिंग का साथ में नोट्स बना लिए, साथ में याद कर रहे हो, उसके बाद में बुक्स उठाओ, बुक्स के अंदर आपने पढ़ा, नोट्स भी पढ़ रहे हो, बुक्स भी पढ़ रहे हो, साथ में आप रिवीजन तो हो ही रहा है, और उसके बाद में साथ में क्या कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कोई एक आधी, है ना, तो उसके अंदर आप टेस्ट रेगुलर दो जीके के अंदर, और आपका क्या हो जाएगी, निश्चित सफलता आपको मिल जाएगी। बस ये स्ट्रेटजी है, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें है नहीं। आपको डेली क्या करना है, इन 6 महीने 7 से 8 घंटे पढ़ना है बस, और कुछ ही नहीं करना है। 4 घंटे की क्लास हो जाएगी, 4 घंटे में 3 घंटे की फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होगी, उसके बाद में 2 घंटे की मान लो कोई आपने राजस्थान जीके की क्लास लगा ली, तो कितनी क्लास होगी, 6 घंटे की क्लास होगी, 6 घंटे की क्लास हो गई, और साथ में आप अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो 3-4 घंटे आपने पढ़ लिए तो मतलब बेटर आपके पास मैटर हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली तो आपका आकलन होता रहेगा, तो इस प्रकार से आप जो है वो बेटर तैयारी कर सकते हो। तो कोचिंग, नोट्स, बुक्स और टेस्ट सीरीज, बस इतनी सी चीज़ें आपको करनी है, लैब असिस्टेंट की भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरी बात ये हमारे सामने आती है कि हम जो है वो सेल्फ स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना है, देखो सेल्फ स्टडी ये साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, सेल्फ स्टडी की मैं बात करूं, देखो इसके अंदर लगभग बच्चे क्या करेंगे, साइंस स्ट्रीम वाले होंगे, तो साइंस स्ट्रीम वालों को अगर अच्छी पकड़ है उनकी साइंस के ऊपर, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, अगर उनकी अच्छी पकड़ है साइंस के ऊपर, अच्छी मतलब वो कर सकते हैं बिना कोचिंग भी एनसीईआरटी को हल कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, तो उनको कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। तब तो आप क्या करो, बुक्स उठाओ, बुक्स में से आप नोट्स बनाओ अपने हिसाब से, ठीक है, बुक्स में से आपको क्या बनाना है, अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। किस में से बनाने हैं, एनसीईआरटी में से बनाने हैं सिर्फ, है ना, बुक्स में से आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों के आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं, मतलब अच्छी प्रकार से, ठीक है, तब ये आपके लिए बेटर होगा। तो आप नोट्स का डेली अध्ययन करें, बुक्स का भी आप अध्ययन करें तो आपके लिए बेटर होगा सेल्फ स्टडी के अंदर। लेकिन देखो साइंस वाले की क्या होती है, जीके थोड़ी वीक होती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जीके की तो कोई मतलब करनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी के अंदर अगर जो कोई भी करना चाहता है सेल्फ स्टडी, उसके अंदर जीके की यदि मैं बात करूं तो जीके के लिए कौन सी बुक उसके लिए उपलब्ध होगी, तो जीके के लिए कौन सी बुक जो है उसके लिए पर्याप्त होगी, तो उसके लिए मैं बुक का नाम बता देता हूँ, एक सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर की भी आती है, हिस्ट्री की भी आती है, और राजस्थान जियोग्राफी की भी आती है, या तो आप वो ले लीजिए सिखवाल की, ठीक है, या तो आप वो ले लीजिए,
और या आप क्या कीजिए, आरबीडी की बुक आती है सुभाष सारण सर की, कक्षा 6 से 12 एनसीआरटी का संग्रह है, या आप वो पढ़ लीजिए, आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं सही तरीके से ना, तो आप 9वीं से 12वीं कक्षा की राजस्थान अध्ययन की एक बुक आती है, राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री की, वो आप पढ़ लीजिए, लगभग प्रश्न आज के टाइम में वहीं से पुट अप हो रही है लगभग लगभग। और सिख वाल की अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बेटर होगी। 3-4 मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, मेरे हिसाब से अगर आप चलो ना तो 9वीं से 10वीं क्लास की जो बुक है ना वो आपके लिए पर्याप्त होगी। और इसके अलावा आरबीडी सुभाष चरण की जो बुक है, सुभाष चरण सर की जो बुक है कक्षा 6 से 12 एनसीआरटी की, वो आप पढ़ें, राजस्थान अध्ययन बोलते हैं जिसको, वो अगर आप पढ़ें तो वो भी आपके लिए बेटर होगी। ये दो चीज़ें बेटर होगी, उसके अंदर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है और राजस्थान ज्योग्राफी की आप कोई अलग से बुक ले लीजिए, जैसे सिकवाल की बुक ले ली। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपना लेते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से 110% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह तपना चाहते हो, चमकना चाहते हो ना, तो सूरज की तरह पहले तपना पड़ेगा। लेकिन आज का दौर ये कहता है, आज के दौर में सूरज की तरह चमकना तो हर कोई चाहता है लेकिन सूरज की तरह तपना नहीं चाहता। ये कंडीशन है भी, आ जाए बस। नौकरी सब लगना चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता। ये कंडीशन आज के समय की, आज की यूथ क्या है कि अगर मैं बात करूं, मैं भी एक यूथ ही हूं, अगर मैं बात करूं तो भटकी हुई स्थिति के अंदर वो पहुंच चुकी है। उसको फ्री फंड का जो माल है ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी सी बन गई है भी, फ्री फंड का जो माल है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया उसको। लेकिन फ्री फंड का माल बेटा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो थोड़े दिनों तक जो अपने आप में स्टेबल हो सकता है लेकिन उसके बाद में टिकता नहीं है वो, है ना। तो फ्री का माल तो वो कहते हैं कि भाई चोरी को माल तो मोरी मिल जाएगा, तो बागड़ी में कहावत है चोरी को माल तो मोरी मिल जाएगा। तो वह बात है, तो फ्री फंड का खाना छोड़ दें और फ्री फंड की नौकरी की आस भी छोड़ दें, क्योंकि फ्री फंड के अंदर जो रहता है वो थोड़े दिनों के लिए होता है, पूरी तरह स्टेबल नहीं होता। लेकिन जो संघर्ष करके, स्ट्रगल करके अपनी लाइफ के अंदर जो मुकाम अचीवमेंट करता है, जो मुकाम हासिल करता है, वो लंबे समय तक टिका रहता है, लोगों के लिए वो एक जो है वो प्रेरणादायी संदेश देता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोगों को आज की स्ट्रेटजी प्रॉपर जो है वो समझ में आई होगी। एनालिसिस मैंने बहुत किया है तब जाकर के ये स्ट्रेटजी हमारी बनी है। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हो, अगर आप इस 6 महीने की तैयारी के अंदर अपनाते हो तो आपके लिए प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, पता नहीं भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। और वो इसी कसम कसम में है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब तैयारी लग जाएंगी। तो उन लोगों के लिए एक संदेश हो रहा है कि भर्ती डेफिनेट आएगी, 110% भर्ती आएगी। हो सकता है जनवरी माह में नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है फरवरी में भी आ जाए, तो आएगी जरूर। और इसी साल 2022 के अंदर भर्ती आने वाली है, ये बात पक्का है। तो वैसे उन लोगों की अलग सोच होगी, वो भीड़ को तो कम करते ही करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमने स्ट्रेटेजी बताई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप लेकर के चलते हो तो आपका एग्जाम जो है वो निश्चित तौर पर आपको सफलता जीवन में मिलेगी। आप अगर ना मेहनत नहीं करते ना, अगर आपने स्ट्रेटेजी देख ली छोड़ दी उसके बाद में कुछ भी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है भी। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने तो आपको करना पड़ेगा, 3 महीने को आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने, 6 महीने के अंदर आप अगर पूरे, वो कहते हैं ना कि अगर आपने पूरे फोकस और 6 महीने पूरे फोकस और कठिन परिश्रम कर लिए ना तो आप दूसरे लोगों से 5 साल आगे चले जाओगे। ये बात वास्तव में सत्य है, 6 महीने का ही संघर्ष होता है जीवन में, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं मानता हूँ कि आज का ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ में आपसे एक निवेदन है कि आप सभी लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें स्ट्रेटेजी को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।